Hello, I am Paresh Solanki, International Export Import Trainer. Online Exim Solution Export Import Practical Training में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा इंकोटर्म के बारे में। इंको व्हाट इज इंकोटर्म? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपने सुना होगा कि FOB, CIF, DAP, DDP अलग-अलग आपने नाम सुने होंगे सब। तो ये है क्या और इसका क्या महत्व है? इंटरनेशनल ट्रेड में इंकोटर्म का क्या महत्व है? तो इंकोटर्म का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इंकोटर्म जो है वो जो इंटरनेशनली बना हुआ है, हर जगह पे उसका जो मीनिंग है वो सेम होता है। तो इंकोटर्म कौन बनाता है? पहले तो ये इंटरनेशनल बॉडीज होती है, लाइक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ITC इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल है, जो ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब मिलके इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स मतलब इंकोटर्म बनाती है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन में 11 इंकोटर्म है, 11 इंकोटर्म्स है, जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इंकोटर्म का, इंपॉर्टेंट क्या है? आपने कोई बाहर है जो अमेरिका से है, उसको एक पेन चाहिए। अब मैं उसे क्या भाव दूंगा? यहाँ लोकल में मैं 100 रुपीज में सेल कर रहा हूँ मेरे प्रॉफिट के साथ, तो अब उसे मैं क्या भाव दूंगा? अगर 100 रुपीज में एक्स वर्क मैंने दे दिया तो अमेरिकन बायर है, इंडिया में कैसे वो सब मैनेज करेगा लॉजिस्टिक वगैरह? तो वो बोलेगा मुझे तो एक्स वर्क चाहिए नहीं, तो वो बोलेगा FOB चाहिए। अब FOB आप तो कर सकते हो अपने पोर्ट तक, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन देगा और उसका रिस्क कौन बेयर करेगा। देखो, मैं यहाँ से मुद्रा तक मैं ट्रक का भाड़ा दे दूंगा, चलो वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुद्रा पहुंचने से पहले ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और गुड्स को डैमेज हो गया, नुकसान हुआ, तो कौन भरपाई करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सपोज मैंने बोला कि मैंने CIF में मैं वहां तक दे देता हूँ, बट बीच में कुछ शिपमेंट डूब गया, तो कौन जिम्मेदार है? तो वो लोगों को पता नहीं होता है, तो कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर इसमें क्या क्या होता है, शिपमेंट डूब गया तो क्या होगा? तो इंकोटर्म में पूरा एक क्लेरिफिकेशन है और ये क्लेरिफिकेशन मैं आज करके आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रैक्टिकली इंकोटर्म से लिख के आपको बताऊंगा, तो आप अच्छा समझ पाओ। देखो, मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का है वो आपको समझाना है कि आप लोग आगे बढ़ सको, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सको। देखो, मुझे आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको क्लियरली, देखो कुछ छुपाना नहीं है, मुझे बहुत सारे अक्सर आप बहुत ट्रांसपेरेंटली बताते हो, देखो सिखाना है तो सिखाना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आगे के वीडियो में आप देख सकते हो कि ये इंकोटर्म का बहुत ही महत्व है और कौन सी इंकोटर्म आप में, आपको बिजनेस कौन सी इंकोटर्म में करना चाहिए, कौन सी पॉपुलर है, वो भी मैं पूरा सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, तो वो ये भी जान सके, उसको भी अपडेट मिले मार्केट में क्या चल रहा है, और राइट गाइडेंस, मेरा एक ही सिद्धांत है, लोगों को राइट गाइडेंस देना है और आपका जो पोटेंशियल है उसे आगे ले जाना है, आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।